लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां इस वक्त पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में जुटी हैं। इसके साथ ही पार्टियां उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कल तीसरी लिस्ट जारी करते हुए 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इसी सूची में सभी 9 उम्मीदवार तमिलनाडु से हैं। सभी पार्टियां चुनावी प्रचार के साथ ही उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा कर रही हैं। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने बीते कल तीसरी लिस्ट जारी करते हुए 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। ये सीटें तमिलनाडु की हैं, जहां पर पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होना है। चेन्नई साउथ से पार्टी ने तेलंगाना के पूर्व गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं पार्टी ने कोयंबटूर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा डॉक्टर एल मुरुगन को नीलगिरी से और पी राधाकृष्णन को कन्याकुमारी से टिकट दिया गया है।